कुछ समय लगेगी हमारी मुझे दिखाई देता आइए मैंने आपको एक बात बतानी थी हमारे जो भी मुर्गे और मुर्गियाँ थी फॉर्म से लाए थे हमने भाई घास फूस खिलाए तो फार्मिलेज हो गई सही बोला देसी मुर्गा हमारे पास कभी भी नहीं था ठीक है नहीं ये देखिए ये हमने नया मुर्गा दिए और ये कोई फार्मी और ये कोई फार्मी देसी है सीधा सही वाला देसी है और इसकी एक और बात भी है इसका नाम शेरू रखा है लेकिन इसका नाम शेरू इस वजह से नहीं रखा कि साकेत भी उस ऑरेंज फार्मी देसी रखा हुआ था यह हमें किसी दुकान से नहीं घर से मिले अगर दुकान से मिला होता तो ये फार्मी देसी होता तब ये किसी घर से मिला है तो इसलिए ये देसी भी है और जिस घर से हमने मिला है उस घर वाले लोगों ने इसका नाम भी शेरू ही रखा हुआ था मैंने सोचा इसका नाम शेरू थे और इसकी एक और बात भी है एक दिन मैंने भाई साकिब को कुछ काम दिया था पापा ने साकिब भाई ने भी मुर्गी पकड़ी थी ये दर्दा ने इससे सीधे साकिब भाई को ही मारा पता नहीं कि सिर्फ तभी मारते हैं वरना तो ये डरता है मुझे तो खुद नहीं समझ आया वो मुझ पर भी हमला कर अगर कोई इसकी मुर्गी पकड़े ना और इसकी मुर्गी उछल रही हो तो मुर्गी चुप रहा है तो वो कुछ ना और फिर की बात और भी थी कि साकिब का वो जो ऑरेंज था ना वो भी हमें दुकान से ही मिला था नहीं नहीं किसी घर से मिला था लेकिन वो भी फार्म में देसी था हमारा अभी तक सबसे ताकतवर मुर्गा वही पुराना मतलब वाइट असली देसी है मतलब किंग तो फिर वो जो किंग है वो भी सिकना के क्योंकि वो तुम्हारे फार्म में देसी थी अगर ये देसी आया भी है तो किंग तो असली देसी तो असील देसी तो देसी से ज्यादा ही खतरनाक होगा इसलिए अभी तक किंग ही ज्यादा खतरनाक है अल्लाह हाफिज़